हेलो दोस्तों, रिसर्च सरप्राइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए खास ब्लॉग, जो जेठवन एकादशी वाले दिन शूट हुआ था, जो आज से 2 दिन पहले था। तो प्रयागराज में जेठवन एकादशी में दीपदान हुआ, जो हुआ बारादरी में। और बारादरी जब हम पहुंचे दोस्तों, तो वहां का जो वाइब थी वो बिल्कुल अयोध्या जैसी थी। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले दीपावली में अयोध्या को बहुत ही दीपों से सजाया गया था, उसी तरह बारादरी की सीढ़ियों को, जमुना जी के किनारे को दियों से पूरी तरह सजाया गया था और दिए के साथ रंगोली बनाई गई थी। और जेठवन एकादशी वाले दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन भी था, जो प्रयागराज में नौगरा मंदिर के अंदर खाटू श्याम बाबा का मंदिर स्थित है, वहां पे ये मनाया गया। तो इस वीडियो में आपको जेठवन एकादशी में दीपदान प्लस खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन, वो दोनों वीडियो मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। और हमें खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन में मेरे खास मित्र अंशिका जी मिली, जिनको आपने 15 अगस्त के स्पेशल ब्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाके जरूर देखिएगा। अंशिका के बारे में बता दूं, वो मेरी बहुत हेल्प करती है वीडियो बनाने में और अक्सर मेरी पार्टनर रही है ब्लॉग में, तो दिल से मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है वो इस वीडियो को देख रही है। तो अभी तक आप इस चैनल में नए हैं, जो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पता है जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो गड़बड़ कर दी दोस्तों। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तो हम चलते हैं बारादरी। फाइनली दोस्तों, हम बारादरी पहुंच चुके हैं भीड़ से चलते हुए। और बारादरी पहुंचते ही हमारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि हम एकदम राइट टाइम पे पहुंचे थे और दीपकों से सजाया जा चुका था सीढ़ियों को, लेकिन दीपक जलाए नहीं गए थे, जिसकी वजह से हमें दीपक हमारे सामने ही जले। और जब पूरे दीपक जल गए थे तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान से तारे उतर के नीचे बारादरी की सीढ़ियों पर आ गए हों। और जिस तरह भी थोड़े दिन पहले आपने अयोध्या की वीडियो देखा था, जिस तरह अयोध्या नगरी को पूरे दीपकों से सजाया गया था, उसी तरह एक छोटा सा प्रयास बारादरी की सीढ़ियों को, जमुना जी के किनारे को दीपकों के माध्यम से सजाया गया था दोस्तों। और यहाँ पे दीपकों के माध्यम से ओम, सपिया, महादेव 2022, इस तरह की चीजें, कार्तिक पूर्णिमा, इस तरह की चीजें लिखी गई थी हिंदी अक्षरमाला में। और जब वो जले तो अपने आप में उनकी खूबसूरती थी दोस्तों। हम बारादरी कार्तिक महोत्सव में दूसरी बार पहुंचे। पहली बार मैंने आपको दिखाया था छठ पूजा का उत्सव इसी बारादरी से। अगर अभी तक आपने छठ महोत्सव वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देखिएगा। उसमें एक नुक्कड़ नाटक भी है, जो एक बहुत ही प्यारा संदेश छुपा है उसमें, तो उस वीडियो को जाके देखिएगा। और आज की वीडियो की बात करें दोस्तों, तो दीपदान के साथ साथ बच्चों के द्वारा जगह जगह रंगोली बनाई गई थी, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा को उकेरे गया था और एक इंडिया गेट, भारत के झंडे को भी एक रंगोली के माध्यम से दिखाया गया था। तो बहुत ही खूबसूरत रंगोली थी, बहुत ही खूबसूरत दीपदान हुआ और बहुत ही शानदार दीपदान हुआ बारादरी में। और इसके बाद हम खाटू जन महोत्सव पे भी जाएंगे, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और बारादरी से देखिए आप दीपदान जेठवन एकादशी के दिन। ये एक मेरे साथी यहाँ पे, ये भी वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ के बारे में। तो मिल चुके हैं, ऐसे साथी हैं हमारे, मिलते रहते हैं जब हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो ऐसे मिलते रहते हैं हमारे साथी। और आप सामने सीढ़ियों पे देख पा रहे हैं चारों तरफ जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नजारा है सामने का। थोड़ा सा मैं पास चल के आपको कवर करता हूँ उस चीज को। सतिया बनाया, देखिए ये सतिया पूरी तरह से जल चुका है दोस्तों, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। और सामने का नजारा मैं बता नहीं सकता हूँ कितना खूबसूरत है। बारादरी की सीढ़ियाँ इस समय दीपदान से सज चुकी हैं और दूर दूर तक सिर्फ दीपदान ही, और भीड़ देख रहे हैं आप, बहुत ही ज्यादा क्राउड है। Thank you.
आप देख रहे हैं हम इधर से इधर आए हैं और सामने जमुना जी हैं हमारे सामने, और मैं ऊपर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सीढ़ियों पे किस तरह से दीपक चारों तरफ जलाया गया है और बहुत ही खूबसूरत, जैसे अयोध्या नगरी सजाई गई थी दीपावली में, उस तरह आज जेठवन एकादशी के अवसर पर बारादरी को सजाया गया है दीपों के द्वारा, और बहुत ही खूबसूरत नजारा है दोस्तों। साथियों हम एकदम किनारे आ चुके हैं जमुना जी के, और देखिए सामने आप देख पा रहे हैं जमुना जी हमारे सामने, और मैं यहाँ से आपको पूरा बारादरी का नजारा आपको दिखाता हूँ। देखिए दूर तक जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं दीप दान किया जा चुका है, और देखिए पूरे बारादरी को सीढ़ियों को पूरा सजाया गया है दीपकों के द्वारा। ये जो लाइटें जल रही है कोई झालर या इलेक्ट्रॉनिक लाइटें नहीं है, ये घी के दिए हैं जो दूर तक जल रहा है, देख रहे हैं वहां तक जल रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बारादरी। और भीड़ आप देख ही पा रहे होंगे, और देखिए यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहां पे भी दीपदान किया जा रहा है जमुना जी, और आज था जेठवन एकादशी, और इसके बाद हम चलेंगे नौगरा मंदिर जो रामबाग में, आज खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी है, तो बहुत ही अच्छा उत्सव है वहां पर, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो हम चलते हैं खाटू श्याम रामबाग, और वहां पे आपको दिखाते हैं कि वहां पे किस तरह से खाटू बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दोस्तों बारादरी के बाद दोस्तों हम पहुंचे रामबाग खाटू श्याम बाबा के मंदिर, जो नौगरा मंदिर के अंदर ही स्थित है। जब हम लाइन में लगे और जब बाबा के अंदर पहुंचे मंदिर जो मेन टेंपल होता है, तो दोस्तों अंदर टेंपल में चारों तरफ अंधेरा था, और जो वहां का थीम था वो था एक नेचुरल लाइट, मतलब दिया जल रहा था अंदर दीवारों के चारों तरफ, और उस दिए से बाबा के मंदिर बाबा प्रकाशमयी हो रहे थे, जो घी का दीपक था जल रहा था, और मंदिर के अंदर चारों तरफ फूलों से सजाया गया था जिसकी महक बहुत दूर तक जा रही थी दोस्तों, और बाबा के दर्शन हमें इतने अच्छे से हुए कि मेरा मन गदगद हो गया, और इस तरह हमने बाबा के जन्मदिन पे उन्हें बधाई दी और उनसे आशीर्वाद लिया। आप भी वीडियो में देख पा रहे होंगे बाबा के मंदिर को, और बहुत ही वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स थी दोस्तों, बहुत ही मजा आया हमें। मंदिर दर्शन करने के बाद दोस्तों जब हम बाहर निकले तो हमें बाबा की आरती में सम्मिलित होने का मौका मिला, और बाबा के जन्मदिन के उत्सव पे वहाँ पे पाठ रखा गया था जो मॉर्निंग के सुबह 12 बजे से था, और रात को 8 बजे आरती हुई, तो उस आरती में हम सम्मिलित हुए, और वहाँ के लोगों के भाव को, उनके समर्पण को देख के मेरे आंखों से आंसू आ गया, और इस तरह हम बाबा के जन्मदिन पर वहाँ पहुंचे। और जब हम बाबा के जन्मदिन में पाठ के साथ ग्राउंड में, जो रामबाग के नौगरा मंदिर का ग्राउंड है, वहाँ पर फील्ड लगा था जहाँ पे खाने पीने की चीजें थी, और हमें यहीं पे मिले हमारे मित्र, हमारे दोस्त आरएचए के रॉबिन हुड आर्मी से, तो हमें मिले अंशिका, प्रीति, और भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त मिले। इन सबको आपने मेरे पहले कई वीडियो में इनको देखा होगा, इन्होंने बहुत हमारा, मेरा साथ दिया है वीडियो को बनाने में, और खासकर अंशिका ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से वीडियो बनाने में। दोस्तों से मिलने के बाद दोस्तों हम साथ में पूरे मेले को घूमा, जिसमें तरह तरह के फूड की चीजें, जिसमें राजस्थान की मेन फूड की आइटम, जो वहाँ का खान पान का लोकल फूड था, वो वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, और मैं आपको बताऊँ बहुत ही नॉमिनल चार्ज में वो सारे फूड अवेलेबल थे। मैं प्राइस डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट मैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, इतना कम पैसे में इतनी अच्छे फूड और प्योर देसी घी का खाने को था, और बहुत बच्चे एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ हमने बहुत चीजों को खाया पिया भी, और हमारे दोस्तों के साथ हमने अपने खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन मनाया। और इस तरह से दोस्तों जेठवन एकादशी में पहले हम गए बलुआ घाट बारादरी, वहां पे दीपदान किया, और उसके बाद हम आए नौगरा मंदिर,
बाबा का जन्मदिन मनाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए फिर से एक बार सभी मिलके बोलेंगे हरे के सहारे की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। तो दोस्तों ये था हमारी आज का स्पेशल ब्लॉग जेठवन एकादशी में दीपदान प्लस बाबा खाटू श्याम जी के जन्मदिन पे। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, बारादरी का दृश्य आपने देख के जरूर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे मानो तारे आसमान से उतर के जमीन पे आ गए। और दीपदान के साथ दोस्तों मुझे जमुना जी की आरती भी सम्मिलित होने का मौका मिला, बहुत दिल खुश हो गया। उसके बाद हम पहुंचे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। मंदिर बहुत खूबसूरत सजाया गया था दोस्तों, वहां पे जो फ्रेट लगा था, मेला लगा था, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस राजस्थान के फूड वहां पे मिल रहे थे और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था, मैं ये कहना चाहूंगा। और बहुत ही मजा आया हमें। इस तरह हमने मनाया खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन प्लस जेठवन एकादशी। मेरे साथ सभी एक बार बोलेंगे हरे के सहारे की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। इसी तरह चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। फिर से मिलूंगा मैं एक नए ब्लॉग में, एक नई जर्नी में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।